जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय लक्ष्मी कांत हे, जय श्री जगन्नाथ, जार पादे कोटि ब्रह्मांड, ध्यान करे अच्युत, गंगा देवी जार चरण होई छंती बाहर, क्यों जल आनी धोईबी पाद चरण तोर, गरुड़ जाहर आसन किस देवी आसन, लक्ष्मी देवी जार घरणी ताकू की देवी धन, कौस्तुभमणि जाहर कंठ तटर हार, क्यों माला देई पूजीबी आहे नीलाद्रीवर, आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगले, अकिंचनर आभूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीरे जो भक्त माने अगणित अनेक जगन्नाथ प्रेमी श्रद्धालु माने घरे घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी चैनल मध्यम प्रभुंकर दर्शन करुछंती, जो प्रभु कोटि कंदर्पंकर दर्पक विमर्दन करिछंती से महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती, से अगणित भक्त मानंकु अबाल वृद्ध वनिता और बापमा भाई भौणी मानंकु या अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुची। आज हूँ बृहस्पतिवार गुरुवार, एवं आपण माने देखुछंती सिंहद्वार सम्मुखरे अरुण स्तंभ एवं गुमुटर शीर्षरे रहिछंती गुमुट महालक्ष्मी। गुमुट महालक्ष्मीकर माजणा काहीकी होइथाय ये गुरुवार रे, एवं ये गुरुवार रे विशेष करी काहीकी माजणा होइथाय से संपर्क रे आमे आलोचना करिवा। मध्याह्न समय किए भोजन करिकिरी विराम विश्राम टिके करुची, एवं से विश्राम समय रे मध्य प्रभुंकु दर्शन सहित प्रभुंकर कथा को श्रवण रो अपूर्व आनंद निज कर्णपूट रे नौछंती श्रवण करुछंती प्रभुंक कथा को चर्मचक्षु रे दर्शन करुछंती। यदि देखिबे सिंहद्वार सम्मुख को वर्तमान तो महाप्रभुंकर मध्याह्न धूप पूजा वर्तमान देउळ रे भोगमंडप पूजा बसिले महाप्रभुंकर, इपरि भाव रे नीति चली देउळ भितरे। किंतु आज गुरुवार, ये गुरुवार रे देखिए विशेष करी भगवान वर्तमान भोगमंडप पूजा संपन्न हुई अछंती नीति। ये गुरुवार रे कौन ना महाप्रभु देखिए हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करिथांती, एवं गुरुवार रे ये दिनटी आमर लक्ष्मी लक्ष्मी को समर्पित भगवती महालक्ष्मी को, एवं ये गुरुवार को बृहस्पतिवार मध्य कुआ जायथा। एवं ये जो गुरुवार आमर प्रत्येक माँ माने होचंती लक्ष्मींकर स्वरूप, तेणु से माने मध्य आज प्रातः काल रु उठी लक्ष्मींकर पूजा अर्चना घरे टिके मुरुज पकेवा ठु धरी द्वार मुखरे द्वार मुहरे गोटे कुंभ बसई थांती, किए केते प्रकार पूजा परंपरा अनुसार करिथांती। एपरि भाव रे आज जेहेतु गुरुवार आमर माँ मानंकर यदि भक्ति मती माता सबरिंग परी हेबो तारे निश्चित भाव रे आमर द्वार को दिने ना दिने मर्यादा पुरुषोत्तम पलै आसी आम कालिया सामंत राम रूप रे पलै आसी, तेणु इतिरे तिले मात्र संदेह ना। माता सबरिंग संपर्क रे आपण जानती माता सबरी जी कि 11 वर्ष रु 71 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करिले प्रभुंक पाई, मातंगी ऋषि कहिथिले गुरुंकर आज्ञा सही गुरुदेवंकर कथा वचन को पालन करी 11 वर्ष रु 71 वर्ष सबरी प्रतीक्षा करथिले। आमे यदि प्रभु को दर्शन करिवा पय आसुचे मंदिर को जाउचे आमे 11 मिनिट 71 मिनिट छाड़ी देवा 11 मिनिट मध्य धैर्यर सामर्थ्य आम पाखरे ने आमे धैर्य धरिकिरी रही पारु नाही। तले देखंतु किभली भाव रे जने माता
जने नारी लक्ष्मी स्वरूपा माटी से प्रभु को अपेक्षा करथला ऋष्यमुख पर्वत ये श्रृंगला मध्य से मातंगी ऋषि आश्रम एवं से ही आश्रम रे भगवान श्रीराम आगमन पाई से प्रतीक्षारत थिले किए ना माता शबरी एवं महर्षि मातंग जितने जीवन अंतिम समय आसला माता शबरी को डाकिले कहले शबरी हे माता आपण आम आश्रम ही रहिबे आम तुमको कहूँ मन रखि थाओ प्रभु श्रीराम आपण को भेटापाई एठाक निश्चय आसवे एवं देखु शबरी गुरु वचन प्रति के दृढ़ विश्वास रही तेणु मूलटी अटई विश्वास मूलटी अटई विश्वास गोविंद कहई दास जगन्नाथ गोविंद विश्वास विश्व प्रतिष्ठित विश्वास सृष्टि आत जात तेणु भगवान आपण को आसबे भेटापाई एठा को निश्चय आसबे प्रभु महर्षि मातंगंकर जितेबले देहत्याग हैला देहत्याग परे व्यानिर्धारित समय रे प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित आसी मातंगी मुनि आश्रम रे माता शबरी को भेटिले एगार वर्ष रही था शबरी एकस्तरी वर्ष समय चिंता करंतु प्रभुपाई समर्पित प्रभु आसबेनी कि कथा विश्वास रे प्रा आस्था तेणु माता शबरी जब श्री रघुनाथ को कहिले प्रभु यदि रावण को मारिबार आवश्यकता आसी न था तेबे कौन तुम्हें एत बण जंगल दे एठाक आसी था प्रभु शबरी माँ शबरी कौन भगवान कौन श्री राम माता शबरी जितेबलेतादृश प्रश्न शुणिले प्रभु पूरा गंभीर हो गले भगवान रघुनाथ सरकार गंभीर होकरी प्रकृत में माता शबरी को कौन उत्तर देवे प्रभु चिंता कले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु सामान्य टिके चिंता करी प्रभु श्री राम कहिले हे माता तुम्हें कौन सी भ्रमधारणा न पड़ा उचित राम केवल रावण बद्ध करने को आसी ना रामर जीवन लक्ष्य होची एते तुच्छ बोली कहीं विचार कलमा ये रावण बद्ध करने लक्ष्मण निज पादर आंगुठी बाण मारी सारी पार तेणु ये दशरथ पुत्र राम हजार कोश दूर एत गहन बण जंगल दे आसी केवल तुमको भेटी तुम अनन्य भक्तिर सगर से स्नान करने तेणु माता शबरी ठारू ये भक्तिर रहस्य निष्ठा शिखिबा पाई ये फल हजार वर्ष पर कौन सी भोगवादी भोकिला पाखंडी भारतर अनुभव को प्रश्न करने साहस करना भारतर शाश्वत अनुभव को भाषण कही तार अस्तित्व उपर नकली लोक प्रश्न कले केमी हम देखु चक्रराज नीलचक्र दर्शन दिव्य दर्शन महाप्रभु ये पतित पावन बाना उड़ाऊ आकाशे एवं चक्रराज रही देवर शीर्ष देश रे सुंदर भाव दुई पार्श्वर नेत बंधा जाती अति अपूर्व भाव उड़ुंपरी भाव माता शबरी ठारे धैर्य देखु प्रभु आसवे प्रभु को देखिए एगार वर्ष रु एक वर्ष तेनाली धैर्य यदि आम मान र भगवान दिने ना दिने आसिबे एतिरे तिलमात्र संदेह नाही आज गुरुवार गुरुवार रे आमे माने साधारणतः लक्ष्मी को टिके भल भाव पूजा करिथाउ ये गुरुवार रे एवं ये गुरु गुरु पूजन मध्य केतक करिथांती कारण बिना गुरु रे ये भव सागर को केही पार होई पारिबे नाही गुरु बिनु भव निधि तरिया न कोई जो ब्रह्मा विरंचि समहोई तेणु से ब्रह्मा शंकर ब्रह्मा विरंचि अर्थात सूर्य नारायण ब्रह्मा विरंचि समहोई तेणु सी तांक समकक्ष हेले मध्य ये बिना गुरु रे भवसागर को कहीं पार होई नाम
तेणु ये गुरुदेव चरणारविंद जुगल को जी आश्रित आश्रा कर जे गुरु चरण रेणु शिराधर ही ते जनु सकल विभव बस कर मोहि समरहु अनुभय न दूजे सब पायऊ रज पावनि पुंजे। राजा दशरथ कहते जो मैंने निज गुरुदेव चरण धूलि को कपाल धारण कर समस्त ऐश्वर्य रही जिते प्रकार ये ब्रह्मांड रे से सब ऐश्वर्य अधिकारी होता एवं यार अनुभव मो परी आउ केही पाई नहंती। राजा दशरथंकर वाक्य ये तेणु आपण पवित्र श्रीचरण पदधूलि को पूजा अर्चना कर मु सब किछि पाई जाई ए कथा दशरथ महाराज कहते तेणु गुरुदेव चरण रज को यदि शिष्य आश्रय करिछि तबे से सब किछि ऐश्वर्य सब किछि ए संसार रे पाई गुरु तत्व जहाँकि परमात्मा तत्व तेणु आमर उपनिषद मध्य कहिछंती जे आचार्य देवो भव आचार्य गुरुदेव होती साक्षात देव महालक्ष्मी माजणा है गुमुट महालक्ष्मी गत काली आप देखिए भगवती गुमुट महालक्ष्मी एक शुक्ल वर्णर वस्त्र परिधान करते किंतु जो गुरुवार गुमुट महालक्ष्मी माजणा होता ये माजणारे गुमुट महालक्ष्मी ये मैलम हो सुंदर भाव माजणा हो माँ को आउ एक गुरुवार आज दृश्यमान होती पीतवर्णर साहित्य माँ परिधान कर गुरुवार देखिए सुंदर भाव आमर भल भाव जगन्नाथ मंदिर ये विभिन्न प्रकार नीति रही जहाँकिमर ता चारि भाग विभक्त से नीति मध्य मुख्यतः आमर चारि भाग विभक्त करा जाए से नीति को तन्मध्यरे चारि भाग से कौन कौन ना दैनिक नीति प्रथम द्वितीय होची सामयिक नीति तृतीय होची जानी यात्रा संबंधित उत्सव आदि नीति तथा गुप्त नीति। जगन्नाथ मंदिर भितर यही चारि प्रकार नीति होता है दैनिक नीति कौन ना दैनिक नीति अर्थात आप जानुछंती द्वार फिटा मंगला आरती अवकाश ये सब हूँ रात्र पहुड़ सब दैनिक नीति एवं तापर सामयिक नीति जीपर भाव जानी यात्रा तथा उत्सव आदि नीति तापर गुप्त नीति यहपरी चारि प्रकार नीति जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे होता है ये एभली एक मंदिर जहाँकि नीति बहुत मंदिर ये नीति बहुत श्रीमंदिर जिते नीतिकांति सब पालित हो प्रकार व्यवस्था विधि परंपरा ये समग्र विश्व अन्यान्य मंदिर ठारू यह स्वतंत्र तथा तो अतुलनीय अटे यहाँ को जगन्नाथ मंदिर सहित आप कौ मंदिर को तुलना करेंगे आप कि पाइबे ना कहीं ये थर भोग ये थर वस्त्र महाप्रभु बदला जाऊँ आउ कौन स्थान सेपरी होना तेणु देखिए महाप्रभु ये प्रत्येक गुरुवार दिन कौन ना सकाळ धूप नीति सरवापर माजणा नीति अनुष्ठित होता श्रीमंदिर भितर जहाँकि आज गुरुवार जेहेतु आज गुरुवार महाप्रभु माजणा होती ये जो नीति सकाशे माजणा नीति सकाशे आमर दही चारिओली कोरा चारिसरा जोगाई दिया जाए था चंदन घटवारी चंदन जोगाई थांती एवं ए तद व्यतीत आमर पालिया खुंटिया दुई खंड लागिमाल ओ विडुआ सेवक छामु दिहुड़ी जोगाई थांती इपरी भाव गुरुवार रे आमर माजणा नीति होता है श्रीमंदिर जोठार महालक्ष्मी अच्छा आमर श्रीमंदिर भितर माजणा ठाकुर मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी माजणा होता भल भाव माजणा ठाकुर माजणा मंडप स्वतंत्र भाव रही विजयी माजणा होता दही सुंदर भाव प्रतिमा मानू अष्टधातु विग्रह प्रतिमा
स्वर्ण रौप्य इसब धातु मान विग्रह श्रीमंदिर पूजित होती कि सुंदर भाव दही रे श्री विग्रहंकर श्रीअंग दही रे मार्जना होता है माजना होता है भल भाव घसा घसी हो सफा सुतरा भाव आम जपरी भाव स्नान करुचु भल भाव से भाव स्नान कर गुरुवार माजना एवं वस्त्र लागि होता है माजना समय एवं चंदन घटुआरी चंदन दे था बिड़ुआ सेवक छामु तिहुड़ी जगह था जो माजेणा नीति अनुष्ठित होता है श्रीमंदिर ये प्राय 20 जन सेवकों उपस्थित रे नीति संपादन होता है तन्मध्य महाजन अर्थात पुष्पाड़क सेवक 6 जन सुदुसुआर पर्वजात्रा जोगाणिया आस्थान पड़ियारी चंदन घटुआरी पूजा पंडा भीतरच्छ महापत्र पालिया पुष्पाड़क विमान बड़ु ये चारिजणु ऊर्ध्व छतार घंटुआ और खट सेज मेकअप इत्यादि सब सेवक मैंने माजणा नीति महाप्रभु अंतर्भुक्त था देखु आज जेहेतु गुरुवार भक्त मानक अनेक भिड़ प्रबल भिड़ शून्य सिंहद्वार वर्तमान भक्त मानक परिपूर्ण भिड़े भक्तमय जगन्नाथ प्रेमी मैने पूरा संपूर्ण भाव परिपूर्ण हो प्रभु को देखापी अरुण स्तंभ को स्पर्श करुंट तत्पर पाद प्रक्षालन करी सिंहद्वार गुमुट को प्रवेश करुंट सिंहद्वार गुमुट भितर प्रभु को दर्शन करी गुहारी जनई दुख जनई से आसवे यहीपरी भाव आप देखिए आ गोटे कथा ये माजणा नीति निमंते महाप्रभुंकर एही दिन श्रीमंदिर बेहरण द्वार तथा दक्षिणी घर सम्मुखस्थ माजणा मंडप को धुआ जीव और सेठारे मंडणी चांदुआ बंधा जाए सकाळ धूप सरीबा परे आमर 6 जन महाजन सेवक रत्न सिंहासन श्रीदेवी और भूदेवी को एवं दक्षिणी घर श्री मदन मोहन को आनी माजणा मंडपर विजय कराइबे तापर सुदसुआर सेवक उपस्थिति रही सुंदर भाव सुदसुआर सेवक से स्थान उपस्थित रही कौन करेंगे ना माजणा नीति आवश्यक जिनिसात मान सब जोगाई थापर माजणा निमंत एक ओली दही लगी था जहाँ आमर उल्लेख अच्छी पुस्तक मानक इपरी भाव भल भाव उभय प्रतिमा मानक माजणा करेंगे माजणा मान दही फई दही द्वारा भल भाव श्री प्रतिमा श्री विग्रह से दही पकई भल भाव घसी महाप्रभु को चिकण चाकण आज गुरुवार जेहेतु अष्टधातुर विग्रह आहुरी चमकवे तेनाली भाव माजणा कर सुंदर भाव खट उपरे बसाइबे और भीतरच्छ महापत्र प्रसाद लागी करी थांदी प्रसाद लागी अर्थ चंदन लागी करिवे आस्थान पड़ियारी और सुदुसुआर सेवक सेठारे पूजा ठा करिवे तीन ओली दही और तीन सरा कोरा भोग सकाशे सब रखा जीवो तत्पर पूजा पंडा सेवक आसी पूजा रे बसिबे पूजा सरिले भीतरच्छ महापत्र कर्पूर और बलिता आलती करी थांदी अरुआ चाउल और अक्षत द्वारा बंदापना होइथाय एहा परे द्विप्रहरर धूप छेक आसिले महाजन सेवक माने श्रीदेवी और भूदेवी को रत्न सिंहासन को और श्री मदन मोहन को दक्षिणी घर को विजय कराइथांदे पालिया पुष्पाळक माने श्रीदेवी और भूदेवी को श्री अंगलागी करांती यहीपरी माजणा नीति आमर श्रीमंदिर पालित होता है किंतु गुमुट महालक्ष्मी ये जो माजणा होता है पतित पावन नारायण सेवार जो पूजा पंडा सामंत रही था सी ही गुमुट महालक्ष्मी माजणा कर गुमुट महालक्ष्मी जो माजणा माँ भल भाव जो वस्त्र पूर्व परिधान करेंगे ओलागी होई ठाकुराणी नुआ भल भाव शुद्धभूत वस्त्र साड़ी परिधान करी थांती माँ पुष्पमाल्य पिंधि थांती
एपरी भाव श्रृंगार होता यहाँ मजणा बोली कह ये हूँ श्रीमंदिर एक स्वतंत्र नीति मजणा नीति यहीपर भाव गुरुवार विभिन्न देवालय मानक जो देवी देवी मंदिर रही ठाकुराणी मंदिर से देवादेवी को सुंदर भाव हलदी इत्यादि सुगंधित द्रव्य स्नान कराए ये हूँ जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर कथा अनेक कथा अनेक तथ्य रही महाप्रभु पाखरे जगन्नाथ महाप्रभु होती विश्व ब्रह्मांडर कर्ता एवं समस्त आश्रयस्थल तेणु तांकर मंदिर भितर आहुरी केते कौन हो सब रहस्यमय आहुरी अनेक समय लगे भाव से होती रहस्यमय सर्वशक्तिमान जगन्मय अनादि तथा अनंत एवं सर्वभूतर आत्मा एवं सर्वप्राणी हितकारी बोली प्रतिपादित एभली ठाकुर एक किंभूत किमाकार रूप से कहीं विद्यमान ता साधारण मनुष्य पक्ष बोधगम्य होगा कष्टकर परमेश्वर स्वयं होती विश्वकर्मा रूप से निजर मूर्ति गठन कर विषय मध्य आमर विभिन्न पुराण रु सूचना मिले महाप्रभु निजर रूप को निजे भली अपूर्णांग करिवा पछरे जे निश्चित किसी उद्देश्य अच्छी यहाँ हूँ निसंदेह जगन्नाथ मूर्ति मध्य कला भास्कर्यर गरिमा ना सत किंतु यहाँ भितर कि आकर्षणीयता रही जहाँ को दर्शन रे आमर देह सिहरी उठे ताहा अनुभव ही केवल जाने एवं से ही प्रभु को दर्शन करनेक भक्त देखते कि आकर्षण रही जाऊँगी कि प्रभु को दर्शन करे प्रभु को गुहारी करे महाप्रभु को दुख जन प्रभु जान ला वाला आई ना अधिक ब्रह्मा जे सृष्टि अंत काले वेद पुस्तक थोई कूले जले पशिले संध्या करी से वेद हय ग्रीव हरी तेणु से ब्रह्मा को मध्य प्रभु सृष्टि करते जहाँ देखुच ये संसार रे सबकि प्रभुंर सृष्टि बिना सृष्टि सी एम सृष्टि कर गोटे वस्तु कि जगत में ना तेणु से प्रभुंर ये पवित्र क्षेत्र परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण मैने सीधा सड़क भाव सीधा प्रसारण मध्यम देखुं जय जगन्नाथ टीवी महाप्रभुंर दिव्य दर्शन एवं भक्त मान मध्य दर्शन पर आसुं किए दर्शन करी फेरी जापरी भाव महाप्रभुंर ये जो क्षेत्र ये विचित्रमय क्षेत्र ये गुरुवार मजणा श्रीमंदिर भितर मध्य अनेक देवादेवी अच्छा आज भल भाव मजणा होता स्नान होता श्रीमंदिर जो देवादेवी अच्छा एवं भक्त को भगवान किपरि प्राप्त होता प्रकृत जदि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करे, आउ जी ब्रह्म को उपासना करे, भगवान से मानकर पूजा बा उपासना रे ऊपर कौन सी गुरुत्व दियंती नाही गुरुत्व दे थांती से मानको पवित्र निर्मल मन श्रद्धा दृढ़ विश्वास सहित एवं गभीर निष्ठापरता उपर भगवान गुरुत्व दे थांती से द्रव्यग्राही नुहंती आपण केते कौन द्रव्य दौंती प्रभु को प्रभु ता देखती आम मैने प्रभु को कौन दवा प्रभुंर तो सबू तेणु से द्रव्यग्राही नुहंती से मध्य गुणग्राही नुहंती से केवल हूं भक्त भावग्राही जनार्दन तेणु भक्तिया दृश्यति केवलम नच गुणे ही भक्ति प्रियो माधव तेणु से दृढ़ विश्वास सहित गभीर निष्ठापरता उपरे प्रभु विश्वास करता एवं मन जदि परिष्कार नहीं श्रद्धा और निष्ठार पवित्र गभीर भाव ना कदापि से भक्त हो पारना एवं भगवान केवे लोक देखाणिया भक्तर पूजा ग्रहण कर पारती ना भगवान प्राप्ति हम से ठारे जो माने सबु विषय समबुद्धि रखी कार्य करती
अर्थात सकल प्राणी मानंक मंगल पाई कार्य करी निजर इंद्रिय मानंक संजत करी निराकार ब्रह्मंकु उपासना कले जेउ ब्रह्म उचंती अचिंत्य परिव्याप्त अदृश्य निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर ओ अव्यक्त से ही ब्रह्मंकु उपासना कले सकल शांति मिले ओ भगवानंक परम पाद पद्मरे आश्रय मिले। अनेकंक धारणा रही ब्रह्म एक किंतु साकार और निराकार कौन प्रकृति रे साकार और निराकार ब्रह्म भितर से भली कौन सी पार्थक्य नहीं किंतु साकार ब्रह्म को उपासना करी ईश्वर को पाइबा जते सहज निराकार ब्रह्म को उपासना करी मध्य पाइबा अधिक कष्टकर होइथा आइकि ना ज्ञान पंथ कृपान के धारा ये भक्ति मार्ग को आम शास्त्र में कह जाए फूलर रास्ता भक्ति रास्ता आ ज्ञान पंथ ये कृपाणर धारा माने खंडा धा खंडा उपरे चलिबा जहा आपण ज्ञान मार्ग रे चलिबा होची सेया सेठे निमंते आमर जोगी मुनि ऋषि माने ये भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बोली कहिछन तेणु अनेक महापुरुष आम पुराण शास्त्र रे वेद रे आम पाठ करूचे जे भक्ति रे जी जिते चंचल प्रभु को पाई से ज्ञान रे पाई पारी ना तेणु ये जेतु निराकार ब्रह्म और शून्यवासी और तंकर कौन सी निर्दिष्ट रूप न थिबारु आमे माने साधारण मनीष तार चंचल मनरे तंकु बुझिबा कष्टकर होई पड़े निजर मन को आयत्तर रखी जे माने ब्रह्म को उपासना करि पारंति से माने केवल तंकु प्राप्त होई थांति सही भगवान परब्रह्म को परमात्मा परमेश्वर परम प्रेममय मदन मोहन दयार सागर करुणा भंडार दीनबंधु कृपा सिंधु वृंदावन विहारी जगदानंद आनंददायक जगन्मोहन अव्यक्त तत्व ब्रह्म अनाकार नायक राधाकांत जगत जीवन कमलाकांत कमलोचन जगमोहन श्री कृष्णंकर ये अभय चरण तले यदि भक्त तार निजर समस्त निज को समर्पण कर दिए ये हूँ भक्तिर मार्ग एवं यथाशीघ्र से प्रभु को तार पाई जाए साकार ब्रह्म को जदि से उपासना करे तेणु ये हला भगवान साकार एवं निर्गुण ब्रह्मंकर कथा भक्तमाने मध्याह्न समय प्रतीक्षा करिछन्ते आमे दर्शन करिबु महाप्रसाद पाई जो माने मध्याह्न समय टिके दर्शन करन्ते क्षेत्र को आसी थांते से माने ये प्रभु को दर्शन करि सारिबा परे प्रभुंकर महाप्रसाद पाई थांते सही परिभाव रे ये त्रिगुणात्मिका माया शक्ति दिव्य आत्मा को आवृत करी जीव को शरीर रूप रे विवेचित करा माया रो ही जो तीनोटी गुण कौन ये होची सत्व गुण राजस गुण एवं तामस गुण ये होची सत्व गुण होची सद्गुण रजगुण होची कामयुक्त गुण और तामस गुण होची अविद्यार गुण किंतु प्रत्येक व्यक्ति ठारे तंकर अनंत जन्मर संस्कार अनुसार यही तीन गुण विभिन्न मात्रा रे प्रकाशित होता है एवं यही अनुसार समस्त ठारे अलग अलग रुचि और प्रवृत्ति परिलक्षित होता है। वैदिक शास्त्र यही असमान यही असामंजस्य को ग्रहण करिथाय एवं विभिन्न प्रकार व्यक्ति पाई ये भिन्न भिन्न निर्देश दे थाए जदि शास्त्र गुड़िक सांसारिक विचार युक्त व्यक्ति मानंक पाई कौनसी उपदेश दियंते नाही से माने अधिकरु अधिकतर विपथगामी होई जांते एवं सेथि पाई जो माने कठिन वेद विहित कर्मर अनुष्ठान करंती वेद से मानंक पाई भौतिक उत्तम फलर व्यवस्था करिथाय यहा से मानंकु तामस गुणरु रजोगुण और रजोगुणरु सत्वगुण दिगरे उत्थान करिवार आमकु साहाज्य करिथाय भाव रे वेदर उभय प्रकार ज्ञान रही आम वेद रे ताकि भौतिकता प्रति आकृष्ट व्यक्ति विधि विधान युक्त कर्म एवं आध्यात्मिक उन्नति कामी को पाई हूँ दिव्य ज्ञान श्रीकृष्ण अर्जुन को जो वेद को त्याग करने कथा कहते
तंकर सही व्यक्तव्य को पूर्ववर्ती एवं परवर्ती श्लोक ये सब आलोचना करा जाइछि गीता रे महाप्रभु दिव्य क्षेत्र मेघनाद प्राचेरी सुंदर दर्शन आम मान करुचे ये होची मेघनाद प्राचेरी। मेघनाद प्राचेरी ये श्रीमंदिर चतुपार्श्व को आबद्ध करी घेरिकी रही महाप्रभुंकर श्रीमंदिर जो प्राचेरी ताकि मेघनाद प्राचेरी बोली कह जाए एवं जो प्राचेरी भीतर को कौन सी बाहर आप शब्द आप सुनी पारे ना इपरी भाव निर्माण हो कलिजुगर मानव प्रभु को बुझापी ये कलिजुग ठारू भल जुग ना कलिजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास कलिजुग पर आग ना कारण ये जुगरे जदि जिते जल्दी प्रभु को प्राप्त हो पारुची जीव आउ कौन जुगरे प्राप्त हो पार ना मंडपर बसी महाप्रसाद सेवन चली जी जो पारिचे से बस पड़ती आनंद बजार महाप्रसाद पाँच भक्त मैने श्रद्धार सहित जो महाप्रसाद को प्राप्त मात्रेण भक्तव्य आज जेहेतु गुरुवार रही गुरुवार तो महाप्रभु महालक्ष्मी साक्षात नैवेद्य प्रस्तुत करुँच आउ कहीं करूना स्वयं तत्रास्ते पाचिका लक्ष्मी तो स्वयं माँ सांताणी लक्ष्मी इठार प्रभु निम्ते अन्न पाचन करिथांती रोषे करिथांती प्रभुता को भोजन करिथांती प्रिय हूँ से क्षेत्र कथा क्षेत्र तत्व से भाव कलिजुगर सहजरे जीव प्रभु को जानी पारे ना ए घोर कलिजुग गति लोके होइबे दुष्ट मती हिंसा बहिबे एके एके सर्वे मजीबे दुख शोके अगम्य करीबे गमन निंदिबे निगम बचन एणु होइबे अल्पायुष पापे सकल जीवे नाश अतिपरी जगन्नाथ दासंकर ये ओडिया भागवतर अद्भुत पद ये कलिजुगर लोकंकर स्वभाव आपण देखंतु किभळी मेघनाथ प्राचेरी उपरे देखंतु एक पाती मांकड़े बानरटे मध्य जाउची सुंदर भाव बसीची सिंह अति अद्भुत सिंह मूर्तिटे मध्य रही मध्य भाग से स्थान महाप्रभु स्नान मंडपर संपूर्ण रूप से छवि आम देखुचे स्नान मंडप सहित आनंद बजार एवं आनंद बजार भक्त मैने संपूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बसी एवं जा आनंद बजार एभली एक बजार से आप देखिए समस्त भितर एक आनंद आए जो पार से आसन रोसी महत्व न था आनंद बजार आप आसन पक महाप्रसाद पाई ना तेणु ये महाप्रसाद स्थान एत उच्च रही क्षेत्र में आ महाप्रसाद अपमान स्वयं प्रभुंर अपमान दुर्लभ क्षेत्र दिव्य देवता हूँ आमर जगन्नाथ महाप्रभु यहीपर भाव ये कलियुगर लोकंर स्वभाव कौन भगवान कहते हे उद्धव ये कलियुगर लोक मैने सरल स्वभाव न हो दुष्ट प्रकृति रे परश्रीकाथर तार वशवर्ती हो समस्ते समस्त प्रति हिंसा आचरण करेंगे वेदर वर्णित उत्तम मार्ग को परित्याग कर कुपथर गमन करेंगे यहाँ फल शांति से जीवन दूरे जीवो तेणु से माने दुख और शोक कालातिपात करेंगे अशांति जीवन जापन करिवारु आयुष हानि हेबो और कुमार्ग गमन करिबा परे से माने ध्वंस आड़ को अग्रसर हेबे यदि अन्य प्राणी प्रति आम हिंसा आचरण कले ताहा भगवान सह हिंसा आचरण करने सहित समान कारण भगवान समस्त भितर आत्मा रूप से विराजमान करना अहिंसा हूँ दुनिया सबुठ श्रेष्ठ धर्म
अन्य को हिंसा करिबा व्यक्ति अन्य अपेक्षा निजर बेसी क्षति करि थाए कारण हिंसा करिबा फल रे से निजे निजर मानसिक शांति हराई थाए एवं मानसिक शांति मनुष्य जीवन सबुठारु मूल्यवान संपत्ति जहाँ कौन सी धन संपद विनिमय हासिल करना मानसिक शांति होची आमर दीर्घायु होगापी सर्वश्रेष्ठ महौषधि यदि मन भितर शांति ना ताले किछि लाभ ना तेणु अन्य प्रति हिंसा भावना परित्याग कले ये सियाराममय सब जग जानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जितेबले रामचरित मानस रचना कले कौन कहते सियाराममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी परमात्मा सब समस्तंक भितरे विद्यमान ही क्रिया छन तेणु से हीपरी भाव आमर कलीयुगर व्यक्ति मानकर ये हूँ स्वभाव ये स्वभाव को आमको आमर परिवर्तन सेतेबेले हव जेतेबेले आमर महाप्रभु आमको कृपा करिबे एवं प्रभुंक भक्ति आम हृदय जाग्रत भाव आज बृहस्पतिवार गुरुवार गुरुवार जो देखिए पतित पावन नारायण हलदी रंगर वस्त्र परिधान करिछन्ति आज मध्य घोड़ लागी चलिछि आ पांच दिन रहिला घोड़ लागी इपरी भाव ये घोड़ लागी महाप्रभुंकर दीपर समय रे ये घोड़ लागी करा जाय थाय प्रभु को एवं स्वतंत्र भाव रे बेसरे ये घोड़ लागी करा जाय थाय महाप्रभुंकर बड़दांड अति दिव्य बड़दांड भक्त आज ये क्षेत्र को आसी प्रभु को गुरुवार जेहेतु महालक्ष्मी की ये ध्यान करी थाए अनाथ रो नाथ अटहे तुम्ह नाम अनंत अंतर्जामी तुम्ह महिमा प्रभु के करे अंत तो ये प्रभुंकर अनंत महिमा हरि अनंत हरि कथा अनंत तेणु भगवान होती अनंत मान प्रभुंकर कथा मध्य ये भी अनंत तेणु से हीपरी भाव में प्रभुंकर हूँ अपार महिमा केते भक्त किए कड़ू आसी किंतु प्रभु ताई महाप्रसाद रखिंट ये क्षेत्र में किए किए से प्राचेरी से लौह बाड़ी को धरी बड़दाण्डर ये अपूर्व दृश्य को मध्य दर्शन करमचक्षुरे यपरी भाव अनेक दर्शन करभु को दर्शन करने सहित प्रभु को महाप्रभु समस्तंकु एठी आनंदर सहित ताहाकु गोटे प्रभु निराश करिनांती केते बेले आउ जहाँ को भी निराश करिछंती ता परीक्षा मात्र परवर्ती समय रे मध्य प्रभु जते भक्त आसीछंती तेणु ये जगन्नाथ महाप्रभु होती सबु किछि ये ही महाप्रभु कलीर अंतरे ये जगन्नाथ महाप्रभु तांको गण मानंक सहित म्लेच्छ मानंकर निधन करी धर्म सब कु विस्तारित करिवे प्रभु तेनालीम शास्त्र उल्लेख अच्छे कलेरंते भवान कलिकी रूपेण जगदीश्वर मृच्छास्तु सगणान हत्वा धर्मान विस्तार इष्यसी तेणु यहीपरी भाव प्रभु प्रभुंकर भीतर सब स्वरूप प्रभु हूं सब अवतार अवतारी होती जगन्नाथ महाप्रभु यहीपरी भाव प्रभु पाखक अनेक भक्त आसी को भक्त को प्रभु निराश करना जिते नीति कमती रही प्रभुंकर ये सब प्रायतः चारि भाग विभक्त नीति दैनंदिन यात्रा संबंधित नीति सामूहिक नीति एवं गुप्त नीति एवं ये जो गुरुवार माजणा ये महाप्रभुंकर प्रत्येक गुरुवार माजणा एमती महाप्रभु हो किसी विशेष पर्वपर्वाणी मानक माजणा गुरुवार हो न था महाप्रभु यहपरी भाव नीति ये हूँ नीति बहुल मंदिर तेनाली आपण नीति
अधिक देखिबे। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु को साधु संथ तथा भक्तगण श्री जगन्नाथंकर अपार करुणा लाभ करिबा असाध्य साधन करिथिबा घटना पुराण इतिहास ओ सेमानंक जीवनी रु जहां हमको सूचना मिले। जोगी नाम भी सर्वेशां मद गतेनांतरात्मनम श्रद्धावान भवते जो मं से मे युक्त तमो मतः। तेणु अंतरात्मा बा मन को भगवान कहते मोठारे निविष्ट करी श्रद्धार सहित मत जे भजन करे से जोगी मानंक मध्यरे श्रेष्ठ बोली मु मने करे। तो ब्रह्मज्ञान और ध्यान योग साधना दुसाध्य मार्ग। तेणु तो साधारण लोकों पक्ष रे ये ईश्वर विश्वास ईश्वर भक्ति और ईश्वर भजन एक सुगम तथा श्रेष्ठ पंथा अटे। तेणु तो ये प्रकार भक्त मानंकर ईश्वर सर्वस्व जीवन अटे। से माने समस्त कर्म प्रभु निकट समर्पण करी ये विश्वरूप परमात्मा को एकमात्र अवलंबन रूप से आश्रय करिथांति एवं सेमानंकर कर्तव्य को निष्ठा तथा आंतरिकतार सहित तुलाई थांति। एभली साधु संथ ओ भक्तों संख्या खूब कम हेले मध्य तथापि सेमाने बेले बेले आमे कहू संसार रे भल लोक नाम नाही आज्ञा किछि भल लोक अछंति बोले सूर्यचंद्र आत जात होचंति तेणु अछंति साधु संत एवं तथापि सेमानंक मध्यरु केतेक संबंध रे सम्यक आलोचना करिबा यदि आमे करिबा तबे मध्य भगवान जुगे जुगे भक्तर एवं भक्त मध्य जुगे जुगे परमेश्वरंकर भगवानंकर बा भगवान भक्त को आश्रय दे आसीचंति एते नाना विपद आपदरु आश्चर्यजनक भाव रे उद्धार करिथिबा घटना मध्य पौराणिक किंवदंतीरु आमको सूचना मिले। गजेन्द्र पक्षी को भगवान घंट घोड़ाई रखिबा कुरुसभारे ये जो भरतिया पक्षीटी ताकु प्रभु घंट घोड़ाई रखिथिले। तेणु आरत के ही नाही मोर प्रभु आरत त्राण परित्राण सबु सारथी होई पार्थ रथे श्याम भरत युद्धे भरतिया दिमहे। तेणु महाप्रभु ये से महाभारत युद्ध रे घंटटी घोड़ाई से पक्षी को उद्धार करिथिले एवं गज जेतेबेले डाकिला सुदर्शन चक्र को प्रयोग करिथिले प्रभु गज आसी डाकिथिला गज। तेणु महाप्रभु जुगे जुगे भक्त मानंकु रक्षा करिछन्ति। द्रौपदी को कोटि वस्त्र दान भक्त ध्रुव और प्रहलाद को विपदमुक्त करी ऐश्वर्य प्रदान करिबा एवं परम भक्त श्रीवत्स ब्राह्मणंकर गोईठा माड़ को चंदन पर श्रीअंगे धारण कर रखिबा या आदि असंख्य उपाख्यान रु जहां आमको सूचना मिले जे भगवान जुगे जुगे होती भक्तवत्स। किंतु एठी प्रभुंकर आउ गोटे नाम अच्छी पतित पावन जहाँ बाना उड़ू पतित पावन बाना नील चक्र आप दर्शन करुंची पतित पावन बाना कहीं भक्त वत्सल हेले प्रभु एटी पतित मानक उद्धार कर जगन्नाथ रूप। तेणु से हीपरी भक्त कवि जयदेव अति बड़ी जगन्नाथ दास भक्त कवि बलराम दास भक्त कवि दीनकृष्ण दास जवन कवि शालबेग बालिगा दासिया बाउरी भक्त बंधु महांती राजकुमारी विष्णुप्रिया ये अनेक भक्त रही अनेक सिद्ध पुरुष और सर्वोपरि ये समस्त आदर्श भाव में परिगणित हो आसुचान समस्ते निजक निमित्त मात्र बोली मन कर प्रभु पाखे हृदय धारण कर महाप्रभु प्रति ये प्रियपात्र हो आस महाप्रभु प्रभु भाषा जो मत भक्त समय प्रिय बा भक्तिमान समय प्रिय तेणु प्रभु अति निकटतम अति प्रिय हो सुधा यदि सामान्य अहंभाव मन में स्पर्श करी श्री जगन्नाथ तार गर्व गंजन करी ताकू लज्जित एवं अपदस्थ करने को कुंठाबोध करना प्रभु तेणु प्रभु सबू सहे श्रीवत्स नाम श्रीवत्स नामे
एक द्विज हृदय माइला नात तुम्भे रुष्ट होई हसिल तुम्भ महिमा अंत। तेणु श्री वत्स नामक ब्राह्मणर पदर आघात को प्रभु चंदन परि एपर्यंत मध्य वक्ष स्थल धारण करिछन्ते। तेणु आपण देखन्तु प्रभु सबु सहिछन्ति, ये जहा कहिछि जुगे जुगे प्रभु सबु सहिछन्ति। किंतु प्रभु केतेबेले कहार अहंकार गर्व को सहिनाम गर्व गंजन नरहरी गर्व न सहन्ति कहारी, से कहार गर्व सहन्ति नाही। प्रभु केवे कहार गर्व को सहन्ति नाही। मनुष्य किंबा छार प्रभुंकर वाहन गरुड़ आयुध सुदर्शन चक्र और पीठदेवी चर्चिकांकर मध्य गर्भगंजन होता विषय मध्य पौराणिक उपाख्यान आमको सूचना मिले। ए समय मध्य ए संपर्क मध्य एक सुंदर घटनाटे रही जयदेव आमर जयदेवंकर जन्म होची पुरी जिला प्राची नदी कूल अवस्थित केन्दुली शासन रे जयदेव जन्मग्रहण करते ग्राम क्षुद्र माधव मंदिर टे अवस्थित तेणु देखु विष्णु भक्त से परम विष्णु भक्त ना तेणु श्रीक्षेत्र को आसी से बराबर श्री जगन्नाथ महाप्रभु चिंतन रे दिन अतिवाहित करुले जुवक अवस्था से पद्मावती नामक अति उच्चकोटी पंडित को बहुत करपरी भाव जयदेव जो गीत गोविंद लिखिंट से गीत गोविंद एक पद एक धाड़ी रही जहाँ स्वयं महाप्रभु लिखिंट तेणु देही पद पल्लव मुदारम एतक लेखि सेठार चली जाइले प्रभु तेणु यह मध्य रही प्रमाण। तेणु जुगे जुगे प्रभु ये भक्त समाज रे भक्त मान हृदय रही भक्त को केत प्रभु हईराण करना अनेक भक्त श्रद्धा प्रभु को दर्शन करने देखु वर्तमान आसुंच दर्शन करे दर्शन करी प्रभुंकर गरुड़ स्तंभ पछपटे ठिया होई गरुड़ पछरे देख दिशुची कलाश्रीमुख तेणु गरुड़ पछरे देख दिशुची कलाश्रीमुख से गरुड़ खुंभ को आलिंगन करी सेठारे महाप्रभुंकर फाले नेत्र बड़ ठाकुरंकर अधा नेत्र एपटे जगन्नाथंकर अधा नेत्र पूर्ण देखा जानतिनी प्रभु जी से परम पूर्ण पूर्ण ब्रह्म किंतु गरुड़ पछपटु अधा अधा देखा जीवे अतीत पावन नेत नीलचक्र एवं श्रीमंदिर दिव्य दर्शन आम मान करुचे महाप्रभुंकर आज गुरुवार भगवती गुमुट महालक्ष्मी आज माजणा ये प्रत्येक गुरुवार करा जाई थाए गुमुट महालक्ष्मी माजणारे भगवती आज देखंतु अपूर्व श्रीमंदिर सिंहद्वार गुमुट शीर्ष रे थिबा महालक्ष्मी आज माजणा करा जाए ये गुरुवार तेणु माँ आज माजणा होइछंती कमळे कमळा विजे करी मंडुआ छु मागो नील गिरी नाना पुष्पे धंडा सजाइन पंडा गले लंबाई मा जोड़ी पानी नमो नारायणी। आज हूँ माँ महालक्ष्मी बारटीए गुरुवार गुरुवार महालक्ष्मी को स्तुति करवा ध्यान करवा नीलचक्र को दर्शन करुचे पतित पावन नारायण को दर्शन करुचे नील आकाश रे सुंदर भाव रे फरफर ही पतित पावन बाना उड़ुंती जी दर्शन करुचे से आनंदर सहित कहुचे जय जगन्नाथ। यहीपरी आप जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभु दर्शन करथांतु ये अकिंचन बाणी की विराम देव एवं आसतु श्रवण करवा महाप्रभु भजन सेविका श्रीमती नमिता गुराल माँ भावपूर्ण कंठरु प्रभुंकर भावपूर्ण भजन। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।